अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम लोग पढ़ेंगे दिस इज फादर, दिस इज मदर। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में अभी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे अगर हमें बोलना है दिस इज फादर तो हादा अबुन, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हादा, हादा मतलब दिस, हादा मतलब दिस, लेकिन ये यूज होता है मेल के लिए। अगर कोई मेल है तो वहां पे हम लगाएंगे हादा, और हादी मतलब दिस, लेकिन ये यूज होता है फीमेल के लिए। अगर कोई फीमेल को बताना है कि ये मदर है या ये अम्मी है या ये बहन है, तब हम हादी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें ये बताना है कि ये अबू है, ये भाई है, तो हम हादा का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंट बस इतना है कि हादा यूज होता है मेल के लिए और हादी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। माने दोनों के सेम है। जैसे यहाँ पे हादा अबुन, हादा अबुन, यहाँ पे इसका प्रोनाउंस है हादा अबुन। दिस इज फादर, हादा दिस, हादा दिस, अबुन फादर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हादा अबुन से सारी चीजें सामने आ रही है, सारी बात वादे हो रही है। हादा अबुन, दिस इज फादर, ये अबू हैं। हादी उमुन, हादी उमुन, दिस इज मदर, हादी उमुन, दिस इज मदर, ये अम्मी है का कोई तर्जुमा और इसकी कोई अरबी नहीं है। हादा अपुन, हादा अपुन, दिस इज ब्रदर, हादा अपुन, दिस इज ब्रदर, हादा दिस ब्रदर अपुन। हादी उख्तुन, हादी उख्तुन, हादी दिस इज उख्तुन सिस्टर, उख्तुन सिस्टर, यहाँ पे ये पूरा प्रोनाउंस लिखा हुआ है हादा हादी, हादा अबुन, हादी उम्मुन, हादा अखुन, हादी उख्तुन। तो ये आज का लेसन है दिस का, कि हादा इस्तेमाल होता है मेल के लिए और हादी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। दोनों में इतना ही डिफरेंट है कि एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, एक फीमेल के लिए। दोनों की मीनिंग, दोनों की माने एक ही है।